जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं शिव वर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम सिटी की मार्केट देखेंगे। यहाँ से बस स्टैंड से शुरू करके हम चलेंगे आगे मार्केट में, तो काफ़ी अच्छा वीडियो बना है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा लगेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे आर का बटन दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो लोग वीडियो देखते रहेंगे। हमारे ऐसे बहुत से वीडियो आते रहेंगे, लाइक और शेयर भी याद से कर देना। यदि आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके भी आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तो आज हम सिटी में घूमेंगे, सिटी की मार्केट देखेंगे, बस स्टैंड से शुरू करेंगे, फिर आगे हम चलते जाएंगे। इधर इधर जाएंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाया। पुरानी मार्केट, पुरानी गलियाँ भी इसमें आएंगी और बहुत मज़ा आएगा आपको देख के वीडियो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चले करें शुरू। ये पहुंच गए जी हम बस स्टैंड के पास। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई सामने, और ये बस स्टैंड है बिल्कुल सामने। और ये जा रहा है आपका जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, पठानकोट, कहीं भी जाना रास्ता निकल जाता है। और इधर है रोशन ग्राउंड, और हमको जाना है इस तरफ सिटी में। तो देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिलता है। रश इधर काफ़ी रहता है क्योंकि तो मेन बाज़ार है जी चारपुर का। ये सामने है जी कमालपुर चौक, यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे सिटी के अंदर, फिर देखते हैं किधर किधर कौन कौन सा बाजार मिलता है। भाई साहब कह रहे रुक जाइए अभी, चलो इधर से चलते हैं। शुक्र है इधर रश तो नहीं है, नहीं तो इधर बहुत जाम लगा होता है। ये सीधा है फगवाड़ा लुधियाना, हमको जाना है सिटी में। आजकल त्योहारों के सीजन चल रहे हैं, अभी तो श्राद्ध है ना, श्राद्ध चलेंगे 2 तारीख तक, 3 तारीख को नवरात्र शुरू हो जाएंगे, फिर देखना ये दुकानें कैसे सजेगी। और यहाँ भीड़ कितनी हो गई है, खाली खाली जो भी दिख रहा है ना आपको, ये सारा इधर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना रश हो जाता है यहाँ पर। संडे को भी मार्केट लगती है, अगर हो सका तो मैं संडे मार्केट का भी वीडियो बना दूंगा, उसमें काफी कुछ चीजें सस्ती मिलती हैं। ये तो चलो आप देख ही रहे हैं जो भी है, अभी तो मतलब शुरू नहीं किया इन्होंने अभी। वीडियो के एंड में मैंने एक पार्ट जोड़ा है, दशहरे के मेले की तैयारियां हो रही हैं दशहरा ग्राउंड पे, वो देखना जरूर। इधर तो यार छोटे है ना, बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं। सबसे ज्यादा जल्दी है इसका। खाने पीने की रेडियां काफी लगती है यहाँ पे। बनते जा रहे हैं शायद उनकी जगह जगह। हाँ
राणा बाजार है होशियारपुर में, से बोलते हैं कच्चा डब्बा। जब होशियारपुर बसा था तब से ही लग रहा है ये है कच्चा डब्बा। डोबा टापा यहाँ कुछ नहीं है, बस नाम ही है कच्चा डोबा। नई से नई दुकानें बनती जा रही हैं, जहाँ पहले घर हुआ करते थे वहाँ दुकानें बन गई हैं, किसी के बड़ी बड़ी कोठियाँ थी वहाँ बन रहे हैं, माहौल शहर बदलता जा रहा है, सिटी के अंदर चलते हैं। ये तार घर है टेलीफोन एक्सचेंज, ये हम आ गए जी दोहरा गेट बुक मार्केट। किसी भी स्कूल की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की आपको बुक चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी, और खिलौने वगैरह भी चाहिए हम बच्चों को वो भी यहाँ मिल जाएंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमारी भी किताबें यहीं से लेते थे, हम छोटे स्कूल जाते थे जब हम। बहुत पुरानी मार्केट है ये, वैसे यहाँ काफी होता है। ये गोरागढ़ चौक है, ये है जी गोरागढ़ चौक, यहाँ से मुड़ते हैं भाई शीशमल बाजार की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे बाजार है, पुराने टाइम में ये गलियां हुआ करती थी, फिर दुकानें बन गई धीरे धीरे, और फिर आपको पता ही है कि मार्केट में रश कितना होता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ जाम लगते हैं। ये शीशमहल बाजार है सारा, और ये शीशमहल है, ये पुराना सी बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये अपनी बत्तियाँ लगी हुई है। इसका भी वीडियो बना दूंगा कभी। ये सब पुराने बाजार हैं होशियारपुर के, बहुत पुराने टाइम के, ये सब घर हुआ करते थे, यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, ये सब घर हुआ करते थे, यहाँ दुकानें बननी शुरू हो गई हैं। ये वही प्रताप चौक आ गया, लो जी मित्रों। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि दशहरे के मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो छोटे छोटे टेंट लगने शुरू हो गए हैं, देखते अंदर जाके कि सामान सामून भी रखना शुरू किया कि नहीं अभी तक इन्होंने, या खाली टेंट ही लगाए हैं।
बाहर तो नहीं, अभी अंदर ही हुई है तैयारियां। इसे दशहरा ग्राउंड भी बोलते हैं। झूले झाले तो लग गए हैं पर अभी पूरे नहीं लगे, सीटें लगनी बाकी हैं अभी इनमें। ये है जी यहाँ का इन्होंने एंट्रेंस बनाया अंदर, देखते हैं अंदर अभी तैयारियां चल रही हैं। अभी तो तैयारियां चल रही हैं, यहाँ सब टेंट लगे हैं। अभी कोई दुकान वगैरह नहीं लगी यहाँ पे, पर दशहरे के मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि 2 तारीख को आखिरी श्राद्ध, 3 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाएंगे 3 अक्टूबर से, तो लोग जो है फिर वहाँ पे अपना काम शुरू कर देंगे। तो अभी तो खाली टेंट लग रहे हैं, कुछ ने सामान रखना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे करके लोग सामान लेके आएंगे। 15-20 दिन ये खूब चलेगा मेला। फिर अभी तो खाली खाली सा है, लोग अभी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। ये देखिए अभी तो शुरू है। स्वागत है आपका भाई साहब। ये देखिए सर, ये तैयारियां शुरू है जी मेले की। ये पानी आ गया नहर का, पीछे ये सारा नहर का पानी आ गया। देखो किसी ने पीछे डैम का पानी छोड़ दिया, यहाँ पे सारा पानी पानी हो गया नीचे। देखो ये देखो ये सारा पानी पर भी तो बेचारे तैयारियां कर रहे हैं, ऊपर से किसी ने नहर का पानी छोड़ दिया। ये सब स्टॉल लग रहे हैं, अभी थोड़े दिनों तक शुरू हो जाएंगे ये भी सब। ये देखिए अभी झूले लग रहे हैं, अभी लगे नहीं हैं ये सब झूले, अभी सीटें वगैरह लगनी बाकी हैं, अभी आधा काम हुआ आधा काम बाकी है। पर ये देखिए नहर का पानी छोड़ दिया किसी ने, इससे सारा ये पानी पानी हो गया इधर। और ये देखिए झूले में पानी में खड़े हैं सारे, मेरे को लग रहा। तो प्रशासन को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब तक मेला है तब तक तो जो नहर का पानी ना छोड़े, क्योंकि किसी की जान माल का भी नुकसान हो सकता है। सब टेंट अभी शुरू है लगने के लिए। ये सब अब देख ही रहे हैं, ये अभी यहाँ आइसक्रीम वगैरह के लग जाएंगे स्टॉल, हो सकता है कि शाम तक ये शुरू कर दे। पर चलो ये आ गई माता रानी चिंतपूर्णी चौक। यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ, ये है माता रानी चिंतपूर्णी चौक। ये देखिए लाइटें कितनी खूबसूरत लगाई हैं इन्होंने दशहरे के काम, जो भी लगाई है कुछ दिन पहले। ऐसे होता है जी यहाँ पे ट्रैफिक तो थोड़ा रहता ही है पर तो जाम भी तकड़ा रहता है। अरे 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 बहन जी देखे Thank you.
ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ये सड़क सीधी जाती है हिमाचल को, कुल्लू मनाली, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वाला जी, माता श्री वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, सब जा सकते हैं आप इधर से। ये देखिए ये मंदिर, माता वैष्णो देवी जी का मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। यही सड़क जाके आगे हाईवे बन जाती है, अभी फोर लेन बन रही थी लेकिन काम रुक गया फिलहाल, पता नहीं क्यों रुक रही है इन्होंने। अभी इधर काफी कॉलोनियां बन रही है नई नई इस साइड भी, काफी मतलब लोग आके शहर से ना इधर बसना शुरू हो गए हैं। ये जिधर मैं चल रहा हूँ ना, ये भवानी नगर इलाका है, इससे आगे आएगा बंजर बाग, इससे आगे फिर आदमबाग, फिर चौहाल, फिर हो जाएगी चढ़ाई शुरू, मतलब पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना, शर्माया ना करो, कमेंट कर दिया करो। ये देखिए ये हिमाचल की बस थी जो बस अड्डे की तरफ जा रही है, हिमाचल से आई है देवभूमि हिमाचल, ये आ गए जी बंजर बाग चौक, ये हिमाचल की बस और हम चलते हैं सीधा बिन ब्रेक। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर देना, आपके कमेंट का तैयार रहता है और आपके कमेंट आने से पता चलता है आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताना, अपने सिटी का गांव का नाम, और यदि आपने पहले होशियारपुर घूमा हुआ है तब भी जरूर बताना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर हल्का बटन दबा लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक और शेयर जरूर याद से कर देना, यदि आप हमें सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके भी सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तो बहुत से वीडियो आते रहेंगे जर्नी के, विलेज के, मार्केट के, ट्रैवल वगैरह के, बहुत से वीडियो आते रहेंगे, बने रहिए मेरे चैनल पर। तो मैं आप कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाल दिया करूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।